कोई भी, भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने इलेवेंथ ट्वेल्थ सी ए सी का सपना साकार डाउनलोड दी ऐप नाउ हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों वन टू वन सेशन में अब हम करेंगे एम डिस्कस चैप्टर नंबर फाइव चार पार्ट में आप लोगों ने खत्म कर दिया अब एमसीक्यूज कैसे पढ़ना है मतलब आपको कॉन्फिडेंस कितना आपका बढ़ जाएगा देखिए इस सेशन को अटेंड कीजिए पूरा समझिए और आप लोग गारंटेड एक कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ सर अभी हम ना इकोनॉमिक्स में तो अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं बिना समय गवाए सर हम शुरू करते हैं सबसे पहला एम आपके सामने आ रहा है द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू ऑप्शन ए अप्स एंड डाउन इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ठीक है सर सारे इंस्टीट्यूट पढ़िए फिर डिसाइड कीजिए क्या आंसर है करके ऑप्शन बी फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है पे एक वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑप्शन थ्री डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑप्शन डी इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग आपको यह तो दिख रहा होगा कि बिजनेस साइकिल में सब कुछ होता है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है पहले ऑप्शन में तो उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन की बात की तो ये तो नहीं सही बैठ रहा है सी वाले ऑप्शन में मैं बात करूंगा तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ डिक्लाइन हो रही है वही उन्होंने कहा लेकिन ऐसे तो नहीं है सर जब एक्सपांशन फेज होता है वहां पे तो इंक्रीज भी होता है तो ये आंसर भी नहीं है करके ना तो ए है ना तो सी है डी इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग ना सर सिर्फ यही चीज तो नहीं होगी बट क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सर वॉट बी वाई बिकॉज फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएशन सर कम ज्यादा कम ज्यादा होते रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट्स वाई आंसर इज बी सिंपल था सर सारे ट्वेंटी सेवन जितने भी आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज सब डिस्कस करूंगा ध्यान दीजिएगा दूसरा अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन फेज, रिसीशन और रिकवरी बताइए तो सर क्या है क्या कहा है? ध्यान से पढ़िए और बेटा मैं आपके साथ ही बात कर रहा हूं यहां पे ध्यान दो मेरे पास क्वेश्चन क्या पढ़ा है मैंने अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी इसे क्या और एक्सटेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसे क्या कहा जाएगा सर बच्चे बोल रहे हैं अरे सर इसे हम क्या बिजनेस साइकिल बोले क्या मैं कहूंगा नहीं वाई बिकॉज उन्होंने एक ही पॉइंट को कंसिडरेशन में लिया हुआ है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन बहुत देखो मैंने आपको समझाया था ना बेटा ऐसे बिजनेस साइकिल होती है एक्सपांशन जा रहा है जा रहा है पिक पे गया और क्या हुआ सिग्निफिकेंटली वो नीचे झुकेगा और ये जो डिक्लाइन वाला फेज है इसे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया आंसर भी कॉन्ट्रैक्शन रिकवरी तो हो ही नहीं सकता रिसेशन भी नहीं जाएगा लेकिन आपका आंसर रहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट इज कॉन्ट्रैक्शन फेज सर उन्होंने फेज पूछा है देन मोस्ट ऑब्वियस एक्टिविटी उसे क्या टाइम इज वॉट कॉन्ट्रैक्शन फेज नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री एक इसका मैंने कल भी बताया था द ट्रू ऑफ द बिजनेस साइकिल ऑकर्स वेन इट हिट वेन डैश डैश हिट्स इट्स लोवेस्ट पॉइंट मतलब आपको तो पता है मैंने आपको ऑलरेडी समझाया भी था ये देखो ये आपका बिजनेस साइकिल है ये एक्सपांड हुआ ये गिरा वापस बढ़ा गिरा तो ये जो ये पॉइंट है ऊपर का इसे पिक कहते हैं देखो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं पिक लेकिन ये वाला जो पॉइंट है नीचे का इसे क्या कहते हैं सर ये जो नाम इन्होंने दिया थ्रू मतलब वहाँ से रिकवरी मोड आता है तो क्या है देखो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी नहीं सर मनी सप्लाई क्या क्या हिट इट इज लोवेस्ट पॉइंट देखो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो तीसरे का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है दैट इज एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरलाइन कीजिए सर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को नहीं कंसिडर करेंगे पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा स्टेटमेंट पढ़िए ट्रू ऑफ बिजनेस साइकिल ऑकर्स वेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट जो पूरा इकोनॉमी उसके लोएस्ट पॉइंट पे रहेगा सर वो वाला पॉइंट है जहां से वो हो क्या होगा उठेगा रिकवरी करेगा दैट्स द पॉइंट तीसरा विषय खत्म सर पूरे सवाल को पढ़िए सर सिर्फ इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही सॉरी मनी सप्लाई की बात नहीं हो रही अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है तो मोस्ट अप्रोप्रियट आंसर क्या था आपका सी था बोलो यस सर नो यस सर लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज रेफर एज वॉट सर अभी मैंने आपको बता दिया आपको यहां पे इस एम यहाँ पे इस, इस चार्ट में भी दिख रहा है लोएस्ट पॉइंट कौन सा है सर डी आंसर आ गया आपका ठीक है सर नाउ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान से इस चीज को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए चैप्ट क्वेश्चन नंबर फाइव यहां पे आपको लीडिंग इंडिकेटर मैं कहूं इसका सीधा सीधा कनेक्शन आ रहा है चैप्टर नंबर टू से इसलिए मैं सीधा आपको यहां पे लेके आया डिमांड फोरकास्टिंग में देखो इंडिकेटर्स दिए थे बट यहां पे नहीं दिए लेकिन एम सी क्यूज तो आया सर लीडिंग इंडिकेटर सर क्या है सब पढ़ते हैं अ वेरिएबल दैट टेन टू मूव अलॉन्ग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ना सर ये आंसर नहीं है वेरिएबल दैट टेंट टू मूव इन एडवांस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एक शब्द आया जिसे मैं यहां पे पकड़ना चाहूंगा एडवांस लीडिंग इंडिकेटर का काम ही तो पहले आपको बताता था प्रोएक्टिवली ठीक है तो ये लग रहा है आगे जाते हैं मैं पूरा पढ़ लेता हूं सीधा आंसर पे नहीं आऊगा अवेरियबल दैट टेंट टू मूव कंसिक्वेंट इन लेवल ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक नहीं सर कंसिक्वेंटली मतलब ये तो नहीं हो रहा है ऑफ द नो तो आंसर आपका बन जाता है क्या फिफ्थ का सर बी अवेरिएबल दैट टें टू मूव एडवांस ऑफ एग्रीगेट वॉट इकोनॉमिक क्या समझा बोलो यस नो हा या ना यस नेक्स्ट एमसीबल टेंट टू मूव लेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड वॉट मालिक लीडिंग इंडिकेटर बोलेंगे क्या नहीं सर लीडिंग एडवांस तो में होता है तो ये आंसर तो नहीं रहेगा चलो खत्म कर दो समझ के करो एमसी क्यूज ट इंडिकेट रहेगा क्या सर कॉइंसिडेंट तो सर ऐसे टाइम मतलब साइमल्टेनियस बताता है लेटर तो नहीं बताता उन्होंने क्या कहा है सर एक लाइन से आपका आंसर बदल सकता है लेटर ऐसा इंडिकेटर जो बाद में समझाता है कि ये चीज हो गई उसे क्या कहते हैं लैगिंग वेरिएबल और ये फोरकास्टिंग वाली बात थी बोलो यस सर नो हा या ना तो जिसने मेरा सेकंड चैप्टर लाइव किया डिमांड फोरकास्टिंग वहां पे मैंने इंडिकेटर्स की बात कही थी नहीं किया मैंने नोट्स भेजी हुए वो देखिए सर मतलब नहीं वो भी नहीं किया तो ये एमसीक्यू समझ ले आस ही पेपर में आएगा और वो भी नहीं किया अभी समझो जो इंडिकेटर आपको एडवांस में अपडेट देता है उसे लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं जो इंडिकेटर आपको साइमल्टेनियस अपडेट देता है कॉन्सीडेंट वेरिएबल इंडिकेटर कहेंगे जो इंडिकेटर आपको लेटर टाइम गैप के बाद बताएगा उसे क्या कहेंगे सर लैगिंग वेरिएबल या लैगिंग इंडिकेटर आई होप पांचवा

अंडरलाइन कीजिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव है मालिक इसका आंसर लिखिए डी दैट इज कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स अंडरलाइन कीजिए क्योंकि दो क्यों भी, भी, साथ में आए देखो ड्यूरेबल है लेकिन सर्विस आ गया नॉन ड्यूरेबल है लेकिन सर्विस आ गया कैपिटल नॉन ड्यूरेबल है आंसर क्या है कैपिटल एंड योर ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे कैपिटल में ड्यूरेबल है फर्नीचर हो गया मशीनरी हो गया दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल सर यह अंडरलाइन कीजिए आठवा डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज अब ना इसका आंसर तो तुमने पहले दिमाग में सोचना चाहिए डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है तो मार्केट में पैसा कम जाएगा ऐसा समझो रोजगार कम होगा इनकम कम डिमांड कम सब गलत गलत होना चालू हो जाएगा कि नहीं यस और नो आंसर पढ़ते हैं सर क्या है लेट्स सी क्या कहा है उन्होंने ध्यान से देखिए एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट टू द राइट नहीं सर एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट हाँ यह लेफ्ट हो सकता है सर क्योंकि डिमांड क्या हो गई कम हो गई अभी राइट right कब होगा जब डिमांड बढ़ेगी लेफ्ट कब होगा जब डिमांड कम होगी और ये बच्चे को सवाल समझता ही नहीं अगर वो एमसीक्यूज नहीं करता तो हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा सर लेकिन एमसीक्यूज ध्यान से पढ़िए क्या कहना है उन लोगों का द डिक्रीज इन डिमांड स्पेंडिंग वुड कॉज मैंने आंसर डायरेक्ट बता दिया आपको एक होता है डिमांड का शिफ्ट होना राइट right की तरफ कब जब आपका डिमांड बढ़ता है अदर फैक्टर की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वैसे डिमांड बढ़ेगा कब जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करेगी लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो रही डिक्रीज तो डिमांड क्या होगा कम और कम हुआ तो आपका डिमांड का हो क्या होता है शिफ्ट लेकिन वॉट लेफ्ट डाउनवर्ड मूवमेंट डाउन देखो मूवमेंट वाला तो विषय आएगा ही नहीं सर क्यों नहीं आएगा मैं आपको पहले ही बता दूं इसमें मैं कौन सी कंसेप्ट लेके आता हूं सेकेंड चैप्टर की आप ध्यान से इन चीजों को समझोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि हां सर इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स लाना बहुत सिंपल है बट एट द सेम टाइम कनेक्शन ऑफ नॉलेज सारे चैप्टर रखना भी जरूरी है सेकेंड चैप्टर में एक कंसेप्ट था एक्सपानशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज या चेंज वर्सेस वेरिएशन और मैंने आपको समझाया था अगर प्राइस की वजह से सिर्फ आपका डिमांड चेंज हो रहा है

आगे बढ़ते हैं नाइन विच फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द एक्सपांशन एक्सपानशन के वक्त क्या नहीं होगा और अंडरलाइन कीजिए डज नॉट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा क्या चीजें हैं जो नहीं होगी ड्यूरिंग वॉट एक्सपानशन लेट सी कंज्यूमर परचेस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेन टू इंक्रीज ओके ऑल टाइप्स बोला पे इंप्लॉयमेंट इंक्रीज एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस ओके उन्होंने कहा कि इंप्लॉयमेंट बढ़ सकती है एक्सपांशन हुआ तो उन्होंने कहा डज नॉट ऑकर बोला ठीक है बेनिफिट बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेन टू वॉट इंक्रीज और आंसर ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द वो तो मुझे बताइए नाइन्थ वन का आंसर क्या है नन ऑफ द वो क्योंकि सारी नॉट मतलब क्या है सभी होता है कंज्यूमर परचेज ऑल टाइप्स ऑफ यस बढ़ेगा एक्सपेंशन में बढ़ेगा इंप्लायमेंट इंक्रीज होगा एक्सपेंशन में डेफिनेटली इंक्रीज होगा ये भी सही आए तो ये भी होता है सर मतलब आपको बता दू ये सही है ये ऑकर होता है बी भी, भी होता है बिजनेस का प्रॉफिट होता है बिजनेस में कॉन्फिडेंट बढ़ता है ये भी होता है तो ऐसे कोई बात नहीं कि डज नॉट ऑकर दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा नन ऑफ दबो सभी होता है सर तो नन ऑफ भी दन ऑफ भी आंसर रह सकता है नाइन्थ वन डन समझिए फिर लिखिए ऐसा नहीं सर बिना अंडरस्टैंडिंग खटाखट खटाखट करते गए ना च ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज टिपिकल बिजनेस साइकिल ओहो हो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बोला है सब हो सकता है लेकिन सबसे बेस्ट क्या है बिजनेस साइकिल के बारे में तो आंसर है सर इसका पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाई इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ठीक है इन्फ्लेशन फॉलोड बाय इन राइजिंग इनकम अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है ये भी तो सही है कि इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा अगर पैसा इनकम बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा ठीक है इकोनॉमिक एक्सपांशन आर फॉलोड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है सर ये भी तो सही स्टेटमेंट है कि एक्सपेंशन कब होगा जब ग्रोथ या डेवलपमेंट होगा सही है स्टेक इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ सही है मतलब इन्होंने क्या कहा कि नीचे दिए गए चारों स्टेटमेंट अपने लेवल पे सही है बट बेस्ट डिस्क्राइब क्या है तो बेस्ट डिस्क्राइब आंसर ए कि इकोनॉमिक एक्सपांशन आर फॉलोड बाय व्हाट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन दैट इट्स ये बेस्ट आंसर इसका इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा आंसर रहेगा ए बोलो ये नो सर इकोनॉमिक एक्सपांशन बोला ना अभी उन्होंने पर्टिकुलर चीज को नोटिस नहीं किया जैसे यहां पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट को यहां पे क्या किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सपांशन को. को ही लेकिन फॉलो किया था कॉन्ट्रैक्शन नहीं सर मतलब देखो यहां पे क्या किया स्टैगफ्लेशन तो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे वेरिएबल कवर हो जाएंगे इकोनॉमिक में

ऑप्शन मेरा क्या है आंसर है रिसेशन के वक्त आपका अनइंप्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा अगर कुछ बच्चे ने गलती से अनइंप्लॉयमेंट की जगह पढ़ लिया तो खत्म बात सर तो अनइंप्लॉयमेंट क्या होगा बढ़ेगा और आउटपुट क्या होगा कम होगा लॉजिक आपको पता ही है आउटपुट क्यों कम होगा करके यस yes, सर ऑप्शन नंबर द फोर ऑफ बिजनेस साइकिल आर इसमें चारों ही फेजेस आपको दिखेंगे मतलब ऐसे कुछ होगा नहीं कुछ अलग है सर चारों फेजेस आपको दिख ही रही है चारों फेजेस हर जगह दिख रही है लेकिन यहाँ पे आपको क्या सही सीक्वेंस में सिलेक्ट करना था पहला फेज होता है जैसे एक्सपांशन गया पीक गया कॉन्ट्रैक्शन गया और फिर बाद में लास्ट फेज आपका आ गया तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर आगे लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक लीडिंग मतलब क्या एडवांस में बताना या बाद में बताना पहले बताना एडवांस में लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक इज वॉट तो आपका आंसर रहेगा थर्टीन का बी जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन फोरकास्ट क्यों बोला सर क्योंकि हमें एडवांस में पता होना चाहिए ठीक है फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन वो इंपॉर्टेंट वन क्या था इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन में हो सकता है अपवर्ड भी जा सकता है हो सकता है डाउनवर्ड भी जा सकता है किसी एक का अंदाजा नहीं लगाया ओनली इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बोला ठीक है इंडिकेटर ऑफ स्टॉक प्राइसिंग नहीं सर इंडिकेटर ऑफ प्रोबेबल रिसेशन डिप्रेशन नहीं सर रिसेशन में एक ही इंडिकेट कर रहा है कम होना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या था इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन तो जहां जहां इकोनॉमिक से रिलेटेड बात आ रही है समझ रहा है कि हाँ सर आंसर सही जा रहा है लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमिक क्या था सर कि क्या वो कहता है फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन वेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन लॉजिक समझो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोला डिक्लाइन तो इकोनॉमिक क्या होगी कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी एक्सपेंशन में जाएगी एक्सपेंशन में तो जा नहीं सकती सर क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन वर्ड आया तो एक्सपेंशन तो नहीं होगा लास्ट फेज है या टर्निंग पॉइंट है बताओ क्या आंसर होना चाहिए मालिक 14 का एवरीबॉडी प्लीज सर जब एग्रीगेट इकोनॉमिक डिक्लाइन होने लगे ना लोवेस्ट नहीं बोला लोवेस्ट होता तो ये आंसर होता ये तो हो ही नहीं सकता तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ही कहते हैं तो आंसर लिखिए ए अगर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन होना चालू हो गया तो उसे क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ओके पिक एंड ये लास्ट पेज देखो ये आपको बता देता हूं ये ऊपर ऊपर एक्सपांड हो रहा है ये पिक पे गया ये कॉन्ट्रास्ट हुआ ये डाउन पे गया अभी वापस रिकवरी हुआ एक्सपांड हुआ तो ये वाला फेज और ये वाला फेज पिक एंड ट्रू यह जो फेज है वो बिजनेस साइकिल के नोन एज कलेक्टिवली नोन एज क्या कहा जाता है वोलेटिलिटी नो सर टर्निंग पॉइंट यस सर ये आंसर है इक्विलिब्रियम पॉइंट भी नहीं कहा जाएगा रियल बिजनेस लेवल भी नहीं कहा जाएगा वाई टर्निंग पॉइंट आप ध्यान से अगर देखो कि पिक से क्या टर्न हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन और ट्रू से क्या टर्न हो रहा है एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है तो ये दो पॉइंट क्या कहलाएंगे सर टर्निंग पॉइंट कहलाएंगे इसीलिए आपका आंसर क्या होगा बी कलेक्ट कीजिए सर आंसर क्या होगा बी बोलो यस और नो यस सर आगे बढ़ते हैं मालिक लॉजिक समझिए सर क्यों इन्हें रटो मत टर्निंग पॉइंट का लॉजिक है सर ऊपर गया ऊपर से टर्निंग पॉइंट सर कॉन्ट्रैक्शन नीचे गया नीचे से टर्निंग पॉइंट सर ऊपर चला गया बात खत्म द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई हाँ सर अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा अगर मैंने सप्लाई कर दिया इंक्रीज इन मनी सप्लाई क्या मोस्ट प्रोबेबल आउटकम है सर तो आंसर है इसका मैं सीधा लेके आता हूं कि आपका इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा एक चीज मैं तुमको बताऊं अगर मनी का सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी बढ़ेगी तो यहां पे दो ही ऑप्शन है जहां पे डिमांड राइज दिया हुआ है बाकी दो तो डिमांड फॉल हो नहीं सकता तो आपके ये दो ऑप्शन पहले ही कट कर दो कि बी और सी तो आंसर आएगा बी और डी तो आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने बोला डिमांड फॉल डिमांड फॉल आएगा ही नहीं तो अब एक तो आ सकता है ए नहीं तो आ सकता है बी लेकिन बेटा मनी सप्लाई अगर बढ़ गया तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है फॉल ये मैंने ऑलरेडी सब बताया हुआ है अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट कम है इसलिए लोग क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल अंडरलाइन करो नॉट बोला नॉट बोला सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉट बिजनेस साइकिल चलो पढ़ो तो आप बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी हाँ सर ये चीज हो सकती है बिजनेस साइकिल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज वेलबींग ऑफ सोसाइटी पे ला सकता है तो ये बिजनेस साइकिल का कैसेस्टिक्स हो सकता है सर सत्रहवा पॉइंट हाँ सर हमको लगता है हो सकता है बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियोडिकली अल दो दे डो नॉट एक्जिबिट सेम रेगुलरिटी हाँ सर ये भी हमने पढ़ा था कि पीरियोडिकली आता है लेकिन उसका ऐसा रेगुलरिटी नहीं कि अभी चाहेंगा तभी चाहेगा ठीक है बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉजेस यहाँ पे करो गलत ये मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था और आपको अगर पता होगा मेरा लेक्चर अगर आपने देखा होगा और आपको याद आ रहा होगा सर वही क्या बात करते हो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ अगर वो ऊपर मुझे दिखा तो मैंने आपको अंडरलाइन कराया था और बोला था भाई कि ये तो अंडरलाइन करो हाँ देखो साइकिल डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर यूनिफॉर्मिटी तो ये देखो ये यहां पे आई मैंने बोला था तो सर यहां भी आया कि सारे सेक्टर क्या यूनिफॉर्मली अफेक्ट हो गए सेम लेंथ में अफेक्ट हो गए क्या आंसर इज नो सर यूनिफॉर्म ना तो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना तो कॉजेस होता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सर उन्होंने कहा हैव यूनिफॉर्म दैट्स योर आंसर इज सी है कैरेक्टरिस्टिक सर इकोनॉमिक रिलेशन चेयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब ये छोड़ के अभी ये भी ध्यान दो बच्चे आप पढ़ते ही नहीं पूरा इकोनॉमिक रिसेशन शेयर ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट ये छोड़ के मतलब कौन सा नहीं है करके तो आपका आंसर यहां पे इंक्रीज इन द प्राइस एंड इनपुट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इनपुट ये होगा ही नहीं सर सीधा मेरा नजर वहां पे गया क्योंकि अगर रिसेशन हो रहा है तो इनपुट का प्राइस और डिमांड बढ़ना ही नहीं चाहिए सर रिसेशन में तो डिमांड कम हो जाता है तो दैट्स वाई ये सीधा ना के बराबर आंसर पहुंच गया डी पे बाकी तो सब है सर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नहीं है करके इनटीन द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है सर नाइनटीन का आंसर मुझे बताइए पहला पॉइंट आपको दिया है द डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल Do not have same length and severity. Yes sir, yes sir, मैं agree करता हूँ. Expansion phase always lasts more than ten year. ऐसा तो कोई time period दिया नहीं था. Last many years and uh, are difficult to get over in short period. अरे ऐसे कुछ था नहीं. None of the above. नहीं sir. तो ये तो कुछ था नहीं. लेकिन ये मुझे सही लग रहा है. Do not have same length and severity. तो different phase of business cycle. Answer आ जाएगा A. Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ coincident इंडिकेटर Coincident मतलब क्या टाइम टू टाइम बताते रहते हैं मेरे को ये हो रहा है तो अपडेट देते रहते हैं सर तो ट्वेंटी का आंसर है सर न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट यह आपका आंसर रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन सर नहीं ये तो एग्जाम्पल नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन एग्जाम्पल है रियल रियल रिटेल सेल एग्जाम्पल है बट न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट पता नहीं ना कि न्यू ऑर्डर कब आएगी ये तो लीडी के इंडिकेटर बता पाएगा नहीं समझा सर अरे माबा न्यू ऑर्डर आएगी कि नहीं ये लगेज यह देखो इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन आया लगेज पता चल सकता है हा सर तो कोई इंसिडेंट हो गया इन्फ्लेशन uh, कितना चल रहा है लगेज पता चलेगा हाँ रिटेल सेल्स कितना हो रहा है पता चलेगा हाँ लेकिन नया ऑर्डर कब आएगा प्लांट एंड मशीने का है तो लीडिंग इंडिकेटर बताएगा ना मालिक यस और नो दैट्स वाई ये नॉट एन एग्जांपल इंपॉर्टेंट था कि ये का इंडिकेटर नहीं है बाकी सब इंडिकेटर है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डैश डैश ट्रेड साइकिल ऑकर्स ड्यू टू इनोवेशन और मैं अभी क्या बताऊं सर मैंने आपको बताया था इंटरनल फैक्टर में जाओ इंटरनल कॉजेस में जाओ और देखो अंडरलाइन भी कराया हुआ है सर इसका आंसर आपके सामने आ रहा है दैट इज डी ये मैंने लिखवाया था इनोवेशन एस कंपर लिख लो यस सर ओके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर क्या है सर 22 का आंसर सीधा जाएंगे सर सम एक्टिविटी विच प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी बोला इल्यूजन नहीं है सर मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी नहीं बताता डायरेक्शन बताता है सब प्रेडिक्ट करता है सर प्रेक् डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी विच इकोनॉमिक इंडिकेटर आर रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल अंडरलाइन करो बेटा ये तो मुझे लग रहा है सेकंड चैप्टर के एम दे दिए विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल लीडिंग लैगिंग को ऑल ऑफ द अबो सर बताइए तो 23 का आंसर क्या होगा 23 का आंसर है सर ऑल ऑफ द अबो सारे इंडिकेटर का काम करते हैं गवर्नमेंट है का कंट्रोल मिनिमम होता है सारे राइट्स वगैरह किसके पास होते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं सर बहुत अच्छे से वो काम करते हैं द इकोनॉमी ऑफ प्राइवेट देखो अंडरलाइन करो द इकोनॉमी प्राइवेट फर्म कंट्रोल मेजर असैट खत्म हो गया इसका आंसर जहां पे प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे मेजर असेट को कंट्रोल करेंगे वो आपका आंसर बनेगा गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाएगा सर तो तो सोशल हो जाएगा तो ये आंसर नहीं है पब्लिक uh, सेक्टर नहीं सर ये भी नहीं है इकोनॉमी प्राइज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट नहीं ये सोशल के सारे पॉइंट है जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स खुद ज़्यादा कंट्रोल करती है कंट्रोल रखती है उसे हम क्या कहते हैं मालिक यू नो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी कैपिटल इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है ठीक है ठीक है सर। दो चार बाकी पेशेंस रखना ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट था इनकरेक्ट नहीं बोला है क्या बोला है करेक्ट तो देखिए सर क्या बनता है बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने आपको अंडरलाइन कराया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जिसका बिजनेस साइकिल पे ज्यादा बड़ा परिणाम नहीं होता हा सर बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट द स्मॉल इंप्लॉय ना सर ऐसे तो नहीं है बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बट बिजनेस सॉरी 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 बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर यस सर ये सही लग रहा है मुझे सब सेक्टर को तो बजाता ही है लेकिन बिजनेस सेक्टर की स्पेशली बजाता है तो ये सही लग रहा है और बिजनेस साइकिल अफेक्ट लो वेज वर्कर नहीं है स्पेसिफिक बात मत करो सारे सेक्टर की लगती है लेकिन उसमें इंडस्ट्री की ज्यादा लगती है ये मैंने आपको एक पॉइंट अंडरलाइन करके दिया था अगर आपने मेरे लेक्चर देखे एक भी मिनट स्किप नहीं किया तो यह इसका आंसर आपको आना ही चाहिए था तो आंसर क्या हो जाएगा मालिक आंसर इज सी ओके okay. आंसर क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा सी ट्वेंटी का आंसर हो जाएगा सी दो ही एमसी बाकी बेटा ट्वेंटी सिक्स अकॉर्डिंग टू केन्स फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू क्या है मालिक केन्स के हिसाब से सर सीधा सीधा मुद्दा अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर होता है फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड इफेक्टिव डिमांड में आपको केन्स का नाम दिखेगा मैंने बोला था अंडरलाइन कीजिए अगेन इंटरनल कॉजेस में जाओ केन्स क्या फ्लक्चुएशन एग्रीगेट डिमांड खत्म ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है सर बिजनेस साइकिल के काजेस कैसे फ्लक्चुएशन है इफेक्टिव डिमांड इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में फ्लक्चुएशन सर ये सारे के सारे हमने पढ़ा था इंटरनल कॉजेस एक्सटर्नल कॉजेस पढ़ा था यह सुनो खत्म हो गया आपका आंसर सर यहाँ पे आपके एमसीक्यूज टेक्स बुक के खत्म और मैंने आपको बताया मॉड्यूल के खत्म और यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज रिलेट कर रहे थे सेकंड चैप्टर के एक दो एमसीक्यूज रिलेट किया फर्स्ट चैप्टर जहां पे फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात आई बट ठीक है मैंने आपको लॉजिक बता दिया खत्म कर दिया यहाँ पे अपना मॉड्यूल का चैप्टर फाइव पूरी तरीके से फ्रॉम फर्स्ट पेज से लेके लास्ट एमसीक्यूज तक खत्म हो गया बोलो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है तो सर वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए शेयर मतलब अपने दोस्तों में रखिए ठीक है, है बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भाई